गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार पेरेंट्स। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर सेशन ऑफ हैज, हैव एंड हैड। व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ओके, सो वी हैव लर्नड द पैसेज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर इन द लास्ट चैप्टर्स। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट इज, एम, आर, वॉज एंड वर। वी विल नाउ लर्न अबाउट हैज, हैव एंड हैड। ओके, all these are called verbs. Let's us now see about how they are used. Has, have, had are used to show the possession. Has and have are used for the present and had is used for past. Now has and have, yani ki has aur have, jo dono cheeze hain wo hum kis cheez ke liye use karte hain, present mein, and had jo ho chuka hai hamare पास्ट के बारे में यूज़ करती हैं। ओके, इज अ पास्ट फॉर्म। नाउ हैज, वील बी स्टार्टिंग विद सेशन ए, हैज। नोरा हैज लॉन्ग हेयर, यानी कि नोरा के पास लॉन्ग हेयर्स हैं, तो अभी भी हैं, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग हेयर्स। दैट आई एम सेइंग महिमा इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर्स, तो मेरे पास क्या है, लॉन्ग हेयर्स, तो अभी भी हैं, तो इट इज़ कॉल्ड हैज। ओके, पीटर हैज अ न्यू कार, पीटर के पास न्यू कार है, तो पीटर एक लड़का है एंड इज हैविंग अ न्यू कार, अभी भी उसके पास है, तो क्या बताया है, हैज। दिशा हैज अ पेट डॉग, शी लव्स इट, यानी कि दिशा के पास एक पेट डॉग है और वो उसे बहुत लव करती है। अ मंथ हैज 30 डेज, एक मंथ में कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। टॉमी हैज अ बजी टेल, टॉमी यानी कि उसकी, टॉमी एक डॉग के बारे में बात कर रहा है। टॉमी हैज अ बजी टेल, बशी टेल मीन्स बहुत अजीब सी उसकी लॉटेड वाली टेल है। कार्तिक हैज अ ब्यूटिफुल हाउस, कार्तिक के पास क्या है, ब्यूटिफुल हाउस है। इन सब चीज़ों को जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उनको बोलते हैं हम हैज एंड हैव, जो कि हमारे प्रेजेंट में होते हैं, लाइक एच ए एस हैज एंड हैव। वी आर टॉकिंग बोथ ऑफ देम अबाउट प्रेजेंट फॉर्म, किसके बारे में बात करें हम, प्रेजेंट फॉर्म के बारे में। एंड इन हैड वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है, जो हो चुका है हमारे साथ। नाउ हैव, आई हैव टू बॉल्स, मेरे पास अभी दो बॉल है, जो हम सिर्फ प्रेजेंटली ही यूज़ कर रहे, जो अभी है। आई हैव अ डस्टर, यानी कि मेरे पास डस्टर अभी है। अगर मैं बोलूँगी आई हैज अ डॉल विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, तो मेरे पास है डॉल, लेकिन अभी मेरे पास प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन घर में या कहीं और पे मैंने रखी हुई है। दीपक एंड रेखा हैव ब्यूटिफुल गार्डन, यानी कि दीपक और रेखा हैं, उनके पास एक ब्यूटिफुल गार्डन है। दे हैव अ टेस्ट टुडे, यानी कि उनके पास क्या है, उनके पास आज उनका टेस्ट है आज। द बॉयज़ हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, बॉयज़ क्या, द बॉयज़ हैव मैनी, उनके पास अभी भी है क्या, इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। दीज चिल्ड्रन हैव मैनी टॉयज़, इन बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। नाउ वी यूज़ हैज विथ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी कि जब भी हम हैज किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सिंगुलर नेम के बारे में बात कर रही हैं। अब ये बहुत ही समझने वाली बात है, जो हम हैज हैं वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, गर्ल, बॉय, ही, शी, सिर्फ जो सिंगल होती हैं। और हम हैव किसके बारे में यूज़ करते हैं, जो प्लूरल चीज़ें होती हैं। प्लूरल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारे, ये हम, मेरे पास, बहुत सी चीज़ें। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई हैज अ बुक, यानी कि मेरे पास एक बुक है। आई हैव मैनी बुक्स, यानी कि बहुत सारी जब होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, मैनी, और उनमें क्या आती हैं, प्लूरल, तो वो क्या हो गया हमारा, हैव। एंड हैड कम्स इन आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी एंड एनी सिंगुलर प्लूरल नेम, यानी कि कोई भी सिंगुलर प्लूरल नेम, लेकिन क्या हो रहा है, पास्ट टेंस में। जैसे कि टीना हैज़ अ टेस्ट यस्टरडे, टीना का टेस्ट कल हुआ था।
नमन हैज हिज लंच वेरी लेट. नमन ने अपना लंच बहुत लेट किया है. विक्की हैज़ अ ब्यूटिफुल ऑर्किड, यानी कि विक्की के पास एक बहुत ब्यूटिफुल ऑर्किड है. इसी हिसाब से हम आगे देखते हैं सिंपल टेंसेस. यू हैव बीन टू पैरिस, हैव यू बीन टू पैरिस, यानी कि सिंपल सेंटेंस में हमने कैसे लिखा और एक हम उसे क्वेश्चन में बना के कैसे लिख रहे हैं. कमिंग टू एक्सरसाइज ए, यूज हैज, हैव एंड हैड टू फिल द ब्लैंक्स अंडर द फॉलोइंग सेंटेंस. लास्ट ईयर अर्जुन हैड एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर बट आई डैश द सेम नाउ, आई हैव द सेम नाउ, यानी कि मेरे पास है कंप्यूटर तो एक ही है. ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे. लास्ट ईयर अर्जुन हैड एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर बट आई हैज द सेम नाउ. ठीक है, रीना डैश अ टेस्ट टुडे, रीना हैज अ टेस्ट टुडे, रीना का टेस्ट अभी है तो हैज आएगा आपका. ठीक है, वी डैश मैच, वी डैश मैनी मैचेस टू प्ले. वी क्या बोलेंगे आप उसे, डैश मैनी मैचेस टू प्ले, मैनी मैचेस. वी हैव मैनी मैचेस टू प्ले, यानी कि अभी हमारे पास प्ले करने के लिए है तो वील कम हैव. नाउ एक्सरसाइज, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग. नेक्स्ट विल बी मार्क द क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दे हैव अराइव्ड, ठीक है, दे हैव अराइव्ड इज द सेंटेंस. तो आपको क्या करना है, मेक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना है. जैसे आपने पेज नंबर 551 पे देखा था, यू हैव बीन टू पैरिस, तुम पैरिस गए थे, तो दे हैव अराइव्ड, यानी कि वो आ चुके हैं. तो हाउ विल यू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, यू हैव टू डू. सो योर होमवर्क विल बी फॉर टुडे इज 51 एंड 52 पेज इन योर बुक एंड एक्सरसाइज ए ऑफ पेज नंबर 51 इन योर होमवर्क. सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टुडे.